Assalamu alaikum my dear family, welcome back to my YouTube channel and here is my new vlog. I hope you all are doing well. अच्छा जी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं भी रमदान से पहले के व्लॉग्स अपलोड करूंगी. 3-4 मैंने रमदान से पहले के कर भी दिए हैं, बाकी जो 2 रहते हैं वो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद अपलोड करूंगी. अभी फिलहाल मेरे न्यू व्लॉग्स ही आएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमदान ख़त्म होने वाला है, लास्ट अशरा शुरू हो जाएगा आज और ईद बहुत करीब है, तो मुझे ड्रेसेस डिज़ाइन, स्किन केयर और ईद प्रेप्स की जो भी वीडियोज़, शॉपिंग व्लॉग्स जो भी हैं वो मुझे अपलोड करने, तो बस अभी इन डेज़ मैं यही अपलोड करूँगी. इंशाल्लाह जो पुराने 2 व्लॉग्स रहते हैं मेरे वो ईद के बाद अपलोड करूंगी. तो यस, स्टे ट्यून्ड, दिस इज माय न्यू व्लॉग. सो यस, लेट्स स्टार्ट. सो मैं उठी, शावर लिया, देन मैं फ्रेश हुई, अपनी जोहर की नमाज अदा की, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि बड़े मज़ेदार सी कुछ अलग अलग सी इफ्तारी बनाऊँ. मम्मा को तो मैंने बोल दिया था, मम्मा आज आप किचन में बताइएगा, दोनों बीती हैं आपकी किचन में तो हम लोग इफ्तारी बना लेंगे, भले थोड़ी सी जितनी बन सकी, जितने टाइमिंग में बन सकी उतनी बना लेंगे. तो आप आराम से बैठ के देखें और हमें बताती रहें कि ये ठीक है या नहीं. तो फातिमा केक बना रही थी, उसकी जो भी रेसिपी हो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए, आप लोग जाके देख लीजिएगा कंप्लीट लुक एंड फुल रेसिपी. बड़े मज़े का केक बनाती है फातिमा. मुझे बेकिंग का बहुत शौक है तो मैंने ना बहुत छोटी एज में बनाना स्टार्ट कर दिया था केक, और अब फातिमा बना रही है माशाल्लाह से. अच्छा जी, तो जो अभी मैं बना रही हूँ उस रेसिपी की हम बात कर लेते हैं. ये रेसिपी मैंने देखी थी एक वीडियो में, फिर मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा सारा सामान है, तो मम्मा ने कहा जी बिल्कुल है. रोज़ रोज़ ना एक ही टाइप की इफ्तारी से बोर हो जाती हूँ मैं तो यही होता है कि जाहिर सी बातें सब बोर हो जाते हैं, तो बस फिर यही होता है कि कुछ न्यू ट्राई करें, तो फिर मैं रेसिपीज़ देखती रहती हूँ, कुछ न्यू ट्राई करती रहती हूँ. सीरियसली आई लव कुकिंग एंड बेकिंग. अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैदा लिया, उसके बाद उसमें नमक ऐड किया, देन उसमें घी ऐड किया और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्सअप किया, देन मैंने उसको 1 घंटे के लिए रख दिया क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था इफ्तारी में, तो बस 1 घंटे के लिए रखा. और जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ ना तो मुझे उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और साथ साथ मैं व्लॉग भी बना रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी, तो बड़ा मुझे टाइम लगा, लेकिन लिटरली इतना मज़े का बना था ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा. खैर, यहाँ मैंने चिकन ली और उसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया. उसके बाद कुछ मैंने अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स ली जो कि वीडियो में भी थी लेकिन आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, बंद गोभी मुझे बहुत पसंद है वो मैंने ली और शिमला मिर्च ली, देन उनको अच्छी तरह से फ्राई किया. बंद गोभी ना मुझे हर डिश में अच्छी लगती है, रोटी के साथ नहीं, लाइक मैक्रोनी में, स्पगैडी में, चाइनीज़ में, इन चीज़ों में मुझे बंद गोभी अच्छी लगती है. खैर, यहाँ फिर मैंने मैदा लिया और उसको अच्छी तरह से फ्राई किया, देन इसमें मिल्क ऐड किया क्योंकि थोड़ा सा क्रीम टाइप लुक देना था मुझे. बस फिर मैंने ये सब ऐड करके इसको अच्छे से मिक्सअप किया, और लिटरली मुझे क्वांटिटी का आइडिया नहीं था क्योंकि जो वीडियो देख के मैंने ये ट्राई किया उसमें क्वांटिटी नहीं थी, तो इसलिए सब मैंने अपने अंदाजे से ऐड किया. नाउ अब आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की बारी. सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, देन चिली फ्लेक्स ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्सअप किया, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर जो कि मुझे हर खाने में बहुत पसंद है. आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो और आपको पसंद हो. चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन चाट मसाला मैंने नहीं डाला, पता नहीं क्यों नहीं डाला, अभी मुझे याद आया कि डालना चाहिए था. खैर, फिर मैंने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड किया, और यकीन करें इस टाइम जो खुशबू आ रही थी ना, ओए होए ओए होए बहुत मज़े की आ रही थी. उसके बाद जो मैंने वेजीज़ और चिकन को फ्राई किया था इसमें फिर मैंने वो ऐड किया. अच्छा, मैंने जो वेजीज़ को फ्राई किया था ना उसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, नमक ऐड किया था बस, और फिर उसको मैंने फ्राई कर लिया था. अगर आप लोग स्पाइसी खाते हो तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेना अपने टेस्ट के हिसाब से, और अगर आप थोड़ा सा कम मिर्चे खाते हो तो फिर वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा. वीडियो में क्वांटिटी नहीं बताई थी तो मैंने भी अपने टेस्ट के हिसाब से सब इसमें ऐड किया. अच्छा जी, तो यहाँ फिर मैंने मम्मा को अपने साथ बुला लिया था क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रोटी बेलने वाला काम आ गया था, तो मैंने कहा मम्मा आप साथ खड़ी हो जाए तो बस फिर मैंने रोटी छुट्टी बेली. उसके बाद मम्मा ने कहा तुम बहुत देर कर रही हो, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ उसको बड़ा सा. फिर मम्मा ने इसको बेल बेल के थोड़ा बड़ा किया क्योंकि इसमें से ही वो बनने थे जो मैंने बनाया, उसका मुझे नाम नहीं पता लिटरली, लेकिन वो बहुत अच्छे बने थे. फिर भाई मम्मा ने इसको एक स्टील के ग्लास की हेल्प से शेप देके कट किया, देन इस पे फिर मैंने फिलिंग की जो कि हमने मसाला बनाया था चिकन एंड वेजीज का.
टब में फिलिंग करके और इसको अच्छी सी शेप दी। उसके बाद फॉक की हेल्प से इसके एजेस को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाया। उसके बाद इसको फ्राई किया एंड लुक एट दिस, वाओ इतना प्यारा कलर आया, इतने अच्छे बने थे ना, बहुत मजे के बने थे। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करने। उसके बाद सारे फ्रूट्स कट किए और फ्रूट चाट तो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इफ्तारी में। फ्रूट चाट के बगैर ना मुझसे मेरी इफ्तारी कंप्लीट नहीं होती, मुझे लाजमी फ्रूट चाट चाहिए। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही एनर्जेटिक फील हो जाता है मुझे एकदम फ्रूट चाट खा के। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए इसमें मैंने क्रीम ऐड कर ली थी और क्रीम ऐड करने के बाद ये और ज़्यादा मज़े की लग रही थी। अच्छा, मेरे घर में ना इफ्तारी ज़्यादा हैवी नहीं बनती क्योंकि फिर सहरी प्रॉपर नहीं की जाती, और आज बिरयानी भी मम्मा ने बनाई तो फिर इफ्तारी में बस हम लोगों ने यही चीजें ली। फ्रूट चाट के साथ आप एक दो डिशेस एक्स्ट्रा कर लें, इनफ है वो। रोज पकोड़े शकोड़े खाना ये तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत खराब है। खैर, अभी हमें जाना था बाजार। ये कलर प्यारा है, ये भी है मम्मा का। ज़ारिया बताओ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। ये करवा दें फिर आपका, ये स्टिच करवा दें। ब्लू नहीं अच्छा लग रहा है? ब्लू मेरे पास बहुत अच्छा रहा है। चलो ठीक है, डन। अच्छा जी, तो जावी और भाई का ड्रेस लेके हम लोग आ गए हैं बाजार क्योंकि इनका हम लोगों को टेलर को डालना था। अच्छा, ये टेलर हमारे बहुत पुराने बाबा के, जावी के भाई के, यही स्टिच करते हैं। बहुत अच्छी स्टिचिंग है इनकी। हर साल बाबा रमज़ान में आते हैं और ईद रमज़ान ही करके जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं आए तो ये पूछ रहे थे अंकल कि भाई का ड्रेस नहीं स्टिच करवाना क्योंकि बाबा के आने से पहले उनकी सारे कपड़े स्टिच होते हैं, तो वो हम लोगों ने करवाया नहीं, तो वो पूछ रहे थे। माशाल्लाह से बाबा उम्र पे जा रहे हैं तो बस इस वजह से इस साल ईद पर बाबा यहाँ नहीं होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होंगे। मेरी अपनी यूरी फैमिली से यही गुजारिश है कि बाबा के लिए दुआ कीजिएगा कि वो सात खैरियत से जाएँ और सात खैरियत से वापस आए, उनकी सेहत ठीक रहे और अल्लाह ताला उनका और जितने भी लोग उमरा करने गए हैं उन सब के उमरा, इबादत, नमाज, रोज़ा सब कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ से गुजर रहे थे मम्मा और फातिमा तो हमें ये शॉप थोड़ी समझ आई क्योंकि यहाँ पे कपड़े अच्छे अच्छे थे, तो हम लोग चेक करने आ गए। ये पिंक ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक आप लोग मॉर्निंग में, सुबह ईद की मॉर्निंग में पहन सकते हो। अच्छा, फातिमा माशाल्लाह से एतिकाफ में बैठ रही है, तो एतिकाफ से उठने के बाद आप न्यू ड्रेस पहनते हो तो उसे एक न्यू ड्रेस चाहिए था। यहाँ से फिर हम लोगों ने ड्रेस देखे लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मुझे पिंक ड्रेस समझ आ रहा था लेकिन बस भी मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे उसकी शर्ट अच्छी लग रही थी। ट्राउजर काफ़ी हैवी था, लाइक बहुत चौड़े चौड़े बॉर्डर्स थे और जो ट्राउजर के बॉर्डर्स पे वर्क हुआ हुआ था ना वो थोड़ा ओल्ड ओल्ड सा लग रहा था मुझे, तो बस फिर मैंने वो नहीं लिया। और यहाँ जो मैं अपना ड्रेस डिज़ाइन करने वाली हूँ ईद पर पहनने के लिए, तो मैं उसके लिए फैब्रिक लेने आ गई हूँ। कपड़ा मेरे जहन में है कि मुझे कौन सा फैब्रिक लेना है, लेकिन कलर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, दो कलर्स के बीच थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हो रही थी। बस फिर काफ़ी कन्फ्यूज होने के बाद मैंने कलर डिसाइड किया, उसके बाद अपना फैब्रिक लिया एंड देन दुपट्टे में ये कलर नहीं मिलता तो बस फिर मैंने इसको डाई करवाने के लिए दिया। जो शॉपकीपर थे वो कह रहे थे कि मैं खुद डाई करवा के दे दूंगा आपको, बस फिर मैंने उनको दे दिया। अब जब दुपट्टा डाई होकर आएगा तो फिर उस पर जो मैं वर्क करूँगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। बड़ा मज़े का डिज़ाइन करने वाली हूँ इसको, बहुत अच्छा स्टिच करवाने वाली हूँ इंशाल्लाह। सो यस, वेट फॉर द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। अच्छा जी, तो अब मैं इसको अच्छा सा एम्ब्लिश करने के लिए लेसेस की शॉप पर आ गई हूँ। यहाँ मैंने लेसेस देखी, बटन्स देखे और जो जो मुझे समझ आया वो मैंने परचेस किया। वीडियो में थोड़ा सा कलर डिफरेंट लग रहा है, जो मैंने लिया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ईद के फर्स्ट डे, जब मैं पहन लूँगी ईद के फर्स्ट या सेकेंड डे जब भी पहनूँ, तो फिर मैं आप लोगों से बहुत करीब से ये ड्रेस शेयर करूँगी, लाइक पूरी डिटेलिंग एंड मैंने कहाँ कहाँ क्या चीज़ यूज़ की है, क्या क्या इसमें वर्क किया है। दुपट्टा बहुत मज़े का मैं इसको रेडी करने वाली हूँ। पूरा ड्रेस ही मैंने बहुत मज़े का डिज़ाइन किया, लिटरली मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस ड्रेस की। ये कलर ऐसा था कि इसके साथ गोल्डन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और गोल्डन थोड़ा देसी लुक की तरफ चले जाता। इसके साथ मैंने सिल्वर यूज़ किया तो वो थोड़ा एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कलर कंट्रास्ट, कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करते हैं, अगर ये ठीक ना होना तो आपका ड्रेस अच्छा नहीं लगता। लिटरली रमज़ान इतनी जल्दी गुजर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, और देखें आज आखिरी अशरा स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। आखिरी अशरे में द नाइट ऑफ पावर लैलतुल कदर नसीब होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, रोज़ इबादत करें, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पता नहीं कौन सी रात लैलतुल कदर की रात हो। तो बस आज का व्लॉग यही था, होप यू लाइक एंड एंजॉय माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।